सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी के 3 हथियारों की सजाए मौत को कम कर उम्र कैद में तब्दील करने संबंधी याचिका का आज केंद्र सरकार ने विरोध किया। अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे मुरुगन, संथन और पेरारीवलन ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि चूंकि राष्ट्रपति के पास उनकी दया याचिका पिछले 11 साल से लंबित है, इसलिए उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले के बाद ये याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत ने विभिन्न मामलों के 15 कैदियों की फांसी की सजा राष्ट्रपति के पास दया याचिका के निपटारे में असाधारण देरी के कारण उम्र कैद में बदल दी थी। केंद्र सरकार के वकील ने स्वीकार किया कि तीनों की दया याचिका के निपटारे में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी अकारण और अविवेकपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल के दौरान इन आरोपियों को ना तो कोई मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है और ना ही उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।